हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर की आज सुबह की करंट एनर्जी क्या रही, डीप इमोशंस क्या रही, डीप फीलिंग्स क्या रही, उनके दिल में क्या चल रहा था, यानी कि आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग हम लोग सारी रीडिंग करेंगे। आज की जो रीडिंग है हमारी स्पेशली इसी टॉपिक पे रहेगी एंड बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं तो इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये रीडिंग शॉर्ट रीडिंग होगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। शाम की रीडिंग आपको लॉन्ग रीडिंग मिलेगी क्योंकि शाम की रीडिंग जो है सबको इंतज़ार होता है उसका। सो यस, शाम की रीडिंग काफ़ी अच्छी खासी रहेगी, यानी कि लंबी रीडिंग रहेगी। किसी ने कहा था दीदी लंबी रीडिंग किया करो, छोटी छोटी रीडिंग मत किया करो, ठीक है। आपको जो है लंबी रीडिंग मिलेगी शाम के टाइम में, ठीक है। तो इसमें मैं आपको गाइडेंस भी देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी के साथ। एंड आशा करती हूँ कि आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे आपको एक और नया वीडियो मिलने वाला है जो कि आपके जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम इस कार्ड से आपके पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी ऑरेकल डेक है ये, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी को प्लीज़ मुझे बताएं। ओके ओके सो फर्स्ट कार्ड आ गया है मैन होल्डिंग अ क्वाइन, डोर टू वैल्यू का कार्ड है, अप्रिसिएशन की एनर्जी आई है एंड सेवन चक्रा। ओके सो भाई एमिथिस्ट किसी ने यहाँ पे पहना हुआ है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि एमिथिस्ट का ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट या एमिथिस्ट जो है अपने पास टंबल है उसको रखे हुए हैं। एमिथिस्ट आपके रूम में है या आपके आसपास कहीं रखा हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड। ओके सो नंबर है 26। तो 26 आपके पार्टनर की एज हो सकती है और 43 या 41 या 31 इस पर्सन की एज हो सकती है, ठीक है। सो आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर काफ़ी अग्रेसिव नेचर के हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा आता है इनको। गुस्से में ये पर्सन एकदम से पागल से हो जाते हैं और इस पर्सन को पता नहीं चलता है कि भाई ये बोल क्या रहे हैं या ये पर्सन जो एक्शन ले रहे हैं क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। ये पर्सन की ऐसी जिद होती है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बाकी आप क्या कह रहे हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसी वाइब भी, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हॉस्टैलिटी की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई आपके पार्टनर अब अपने आप को इस तरीके से रेडी कर चुके हैं कि इस रिश्ते में भी अगर कोई थर्ड पर्सन आया, कोई तीसरा पर्सन आया तो ये पर्सन पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे। और ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि भाई मेरे रिश्ते में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट क्यों होनी चाहिए। ये इस एनर्जी में है कि भाई कोई तीसरा क्यों आ रहा है, कोई तीसरा हमारे रिलेशनशिप को बेकार क्यों कर रहा है, कोई तीसरा जो है आप दोनों के रास्ते में कांटे बना हुआ है। आप दोनों का जो रिश्ता है ये बहुत ही प्यार से खूबसूरत तरीके से चल रहा था लेकिन इस रिश्ते की नींव किसी ने तोड़ दी, किसी ने अपना जो है अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री किया, आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री किया और उसकी वजह से एक तूफान आया और आप दोनों ही उस तूफान में ढह गए, आप दोनों ही उस तूफान में जो है टूट गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता था वो बीच में ही ब्रेक हो गया है, ठीक। अब आपके पार्टनर के अंदर और ज़्यादा गुस्सा है, और ज़्यादा जो है ईगो भरा है इनके अंदर। ऐसा है ना कि
अपने गुस्से पे कंट्रोल ना होने की वजह से ये पर्सन कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे आपको जो है बहुत तकलीफ़ होती है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपके रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। अब आप उन रास्ते पे चल भी पाओगे कि नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको लगता है कि भाई ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई मुझे कुछ भी करके सही करना है, रिश्ता सही करना है। सो यस, आपके पार्टनर के अंदर ना वो चिढ़ मची हुई है, सारा जो रायता है वो किसी और का फैलाया हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे मैं देखूँ तो चलिए कार्ड्स को क्लियर करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई, किसके कारण से हुई। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। क्यों है ये? सो यहाँ ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन को किसी ने डराया, किसी ने धमकाया, किसी ने, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि किसी तीसरे पर्सन ने इनको जो है काफ़ी बातें समझाई हैं, जहाँ पे इस पर्सन ने खुद ही डिसीज़न लिया, खुद ही जो है ये पर्सन ने इस रिश्ते में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि कुछ सोसाइटी का डर दिख रहा है, कुछ लोगों का दिख रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि इनके सामने बहुत सारी चीज़ें रही हैं उस टाइम जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, और आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप करके एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की सोची थी कि भाई इससे पीछा छूट जाए है ना, उसके बाद से मैं ज़िंदगी की बहुत बेहतरीन शुरुआत करूँगा। इन्होंने तो सपना देखा था, लेकिन वो सपना जो है ना पूरा नहीं हो पाया। सपने देखते रहे देखते रहे देखते रहे, सपने देखने से थोड़ी ना कुछ होता है। अगर कोई कर्म नहीं करोगे, कोई कार्य नहीं करोगे, तो सपने सपने ही रह जाएंगे। सो यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और इस रिश्ते को तोड़ने में कहीं इनके कुछ अपने भी आए हैं, इनकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, जहाँ पे इनकी फैमिली ने रिश्ते को लेकर के काफ़ी बातचीत की है ना, जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं पुश किया कि तुम उसके लायक नहीं हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को इस तरीके से पुश किया गया कि पर्सन ने काफ़ी दिन तक सोचा और तब जो है आपके साथ ये पर्सन अलग हुए हैं। ठीक, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि यस, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अपने जो इंसान को सक्सेस मिलती है ना, तो इंसान जो है अपने ईगो में आ जाता है, एटीट्यूड में आ जाता है, वही आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। आपके पार्टनर काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग करने लगे थे, और अब जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के पास हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है। ठीक है, ऐश हो, आराम हो, या जो भी हो इनके पास है, लेकिन यहाँ पे वही है कि इनके पास वो चीज़ों का यूज़ करने वाला तो कोई नहीं है ना। पैसे कमा लिए, पैसे की अलमारी में भर के रखेंगे, बैंक अकाउंट में रखेंगे, क्या करेंगे जब उस पैसे को खर्च करने वाला ही कोई ना हो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, और इस वजह से भी एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है कि भाई मैंने अपना बिगड़ा, मतलब अच्छा सा जो मेरा घर था उसको मैंने उजाड़ दिया। ठीक है, देखो बर्डन, ये पर्सन परेशान है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी है, ये पर्सन परेशान है, परेशानी में चलते हुए दिख रहे हैं, ये परेशान होते हुए दिख रहे हैं। प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी आई है, और फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते को बचाने के लिए अब ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने सोच लिया कि भाई कितनी भी मुश्किल आ जाए मैं तो हार नहीं मानने वाला, है ना। ये पर्सन एक्शन भी ले रहे हैं, आपकी तरफ मूव भी कर रहे हैं, आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपको मनाने की कोशिश की जा रही है। आपको आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हो गए हैं, सीरियस कमिटमेंट की बात करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना सीरियसली आपके साथ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सोल कनेक्शन भी है आप दोनों का, एंड ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, लेकिन यस, आपके पार्टनर जो है अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए खुद को रेडी कर चुके हैं कि भाई कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितना भी कुछ हो जाए,
मैं तो सक्सेस पा के रहूँगा या मैं इस पर्सन को पा के रहूँगा। ये पर्सन का चेहरा देख रहे हो, कितना दर्द में है ना ये पर्सन, कितना ज़्यादा बोझ उठा कि अकेले चलता हुआ इंसान, किसी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, कोई सजेशन भी नहीं दे रहा है इनको कि तुम ये करो तो तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। नहीं है, कोई नहीं है इनके पास। सो ये पर्सन खुद ही बर्डन उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद ही जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोर टू वैल्यू की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ओके, आपकी वैल्यू को सबसे अच्छी बात है कि इस पर्सन ने पहचाना है, ठीक है, आपकी वैल्यू को इस पर्सन ने पहचाना है। पहले क्या था, देखो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई और सेवन ऑफ सोर्ड्स आया। पहले क्या था, इस पर्सन को सिर्फ अट्रैक्शन था आपसे, सिर्फ सुंदरता आपकी जो है इस पर्सन को लुभा रही थी। और ये पर्सन किसी एक जगह नहीं थे, ये पर्सन किसी भी एक जगह नहीं थे, यानी कि आपके साथ भी थे तो सिर्फ आपके साथ नहीं थे, ठीक है। ये पर्सन का फ्लर्टी नेचर हो सकता है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है सोचने वाले हो सकते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते थे, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें करते थे। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना झूठ काफ़ी बोलते थे आपसे, बहुत झूठ बोले हैं इस पर्सन ने। आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ये पर्सन फिजिकल भी हो चुके हैं, ठीक, जिनके साथ भी रहे हो आप, जिनके साथ भी डील कर रहे हो। ये पर्सन का एक जगह रिलेशन नहीं रहता है, ये पर्सन धोखेबाज है, ठीक है। जिस भी पर्सन से आप डील करते हो, ये पर्सन जो है कहीं एक जगह टिकने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ने कहीं बहुत जगह हाथ पैर मारे हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन करेंगे ही करेंगे, सेक्सुअल अट्रैक्शन इस पर्सन को बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अपने अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने मन में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज है ना क्रिएट करते हैं, फैंटेसाइज बहुत करते हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी है, यानी कि आपसे छुपते छुपाते कहीं से मिलना, कहीं से बातें करना, या किसी के साथ घूमने जाना, किसी के साथ बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना, जो आप डिज़र्व करते थे वो इस पर्सन ने किसी और को भी दिया है, ठीक है। तो ये पर्सन ने बड़ी चालाकी से आपसे झूठ बोला है, लेकिन अब जो है ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है कि आप क्या हो, ठीक है, आप क्या हो और आप इनको क्या दे सकते हो। आप इनको वो जो है स्टेबिलिटी दे सकते हो, आप जो है इनको वो प्यार दे सकते हो जिस प्यार की इनको चाहत है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देख लो, ये पर्सन तो स्टक है ना, ये पर्सन तो चारों तरफ घिरे हुए हैं। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स कहीं ख़त्म नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये पर्सन की प्रॉब्लम्स कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही है। ये पर्सन का ऐसा लगता है कि भाई क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं, क्यों लाइफ में ऐसे बर्डन आ रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी आ रही है, क्यों इतना जो है सक्सेस नहीं मिल रहा है मुझे, आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं कई बार ये पर्सन ट्राई कर चुके हैं, ठीक है, आपके तरफ आने का, लेकिन इनके रास्ते में हज़ार कांटे भी आए हैं। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि भाई मेरे आगे बढ़ना, मतलब कहीं मेरे जीवन में आगे जाके प्रॉब्लम ना बन जाए, है ना। सो ये पर्सन ने बहुत सोचा है, बहुत 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 सोचा है। द वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो यस, कितना भी सोचा, कितना भी दूर भाग दे, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर कैसे भागे, है ना, क्योंकि आप इनकी किस्मत में हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड, वर्ल्ड गोल होता है ना, तो आपसे ही शुरू किया था और आप पे ही ख़त्म करेंगे ये पर्सन, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इसीलिए पर्सन जाते थे लेकिन वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इनको, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेटिस्फेक्शन मिला आपसे, आप में, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। एंड सेवन चक्रा की एनर्जी क्यों दी है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। एंड कल मैंने डाउजिंग किया हुआ था, आप लोगों को कैसा लगा वो वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने कमेंट बॉक्स तो नहीं पढ़ा है, बट हाँ मैंने कल डाउजिंग से जो है रीडिंग करी थी, आशा करती हूँ आप सबने देखा होगा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, सेवन चक्रा की एनर्जी क्यों दी है। आपके पार्टनर जो है ना, देखो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पार्टनर की कुंडली में जो है ना शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को परेशानी आ रही है,
ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी अलग सी वाइब में हैं, काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं और ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है वाइब भेज रहे हैं, यानी कि टेलीपैथी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस टेलीपैथी में साफ सीधी बात बोल रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे बात करने का है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो ये भी बता दो मुझे, क्योंकि ये पर्सन को बात करना है, ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में। यहाँ पे अपने रिश्ते के प्रति इतना प्रोटेक्टिव होना, इतना पॉजेसिव होना क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता यही कहलाता है, ये प्यार मोहब्बत जो भी है आगे बढ़ने का है। ठीक है, आप कदम पीछे नहीं खींचना है आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ठीक है, जो ये पर्सन कमिटमेंट देने से भागते थे, जो ये पर्सन साफ सीधी बात बोलने से भागते थे, अब ये पर्सन नहीं भागना चाहते हैं। इनकी डीप फीलिंग्स में दिखता है कि ये पर्सन को डिसीज़न लेना है, ऐसा डिसीज़न जहाँ पे जस्टिस की बात हो, जहाँ पे जस्टिस होनी चाहिए। अब वैसा डिसीज़न नहीं लेना है जहाँ पे आपकी भी ज़िंदगी ख़राब हो और आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी ख़राब हो, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सोच समझ के, लॉजिक लगा के आपके पार्टनर जो है फील करते हुए, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लॉजिक लगा के ये पर्सन आपसे पहले मिलना चाहते हैं, मिल के आपसे जो है बातें करना चाहते हैं, जो भी है। ठीक है, रिश्ते में आपको रहना है नहीं रहना है आपकी भी रजामंदी होनी चाहिए। सो यस, ये जो पर्सन है आते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ, बहुत जल्दी आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। क्या आपके पार्टनर का जो एक्शन है, जो डिसीज़न है, ठीक है, क्या ये पर्सन जो है आपके तरफ आएंगे? डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, ये पर्सन आएंगे तो कब आएंगे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, यस, ये पर्सन आएंगे, आपके तरफ आएंगे। ठीक है, ये पर्सन जो है मार्च तक आ सकते हैं। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन की हीलिंग बहुत करनी है, ये पर्सन को अपनी हीलिंग बहुत करनी है। और ये पर्सन का ऐसा है ना, देखो, कोई इंसान, कोई भी इंसान है, एक बार बाहर की चीज़ें चख लेता है ना तो उसे घर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर भी वही हैं। चाहे ये पर्सन कितना भी सुधर जाए, ये पर्सन ऑप्शंस रखेंगे ज़रूर अपनी लाइफ में। देख रहे हो, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑप्शन ही ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, ऑप्शन ही ऑप्शन है इनके पास। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन इंजॉय करना, काफ़ी सेलिब्रेट करना, इनको लगेगा कि अरे यार ठीक है ना, वो तो है ही, वो वाला सिस्टम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है ना, ऑप्शंस तो रहेंगे भाई, और कंफ्यूजन में ये पर्सन रहेंगे ही रहेंगे। इनके पास थर्ड पार्टी ऑप्शन भी हो सकती है। ये पर्सन आएंगे, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आएंगे, कहीं से आपको जो है सिंगल पर्सन नहीं दिख रहा है, देख रहे हो एक से ज़्यादा इंसान दिख रहा है, यानी कि इनकी लाइफ में रहेगा। थर्ड पार्टी को लेकर के जो आपके मन में चल रहा हो कि थर्ड पार्टी तो नहीं है या थर्ड पार्टी तो नहीं रहेगी, रहेगी थर्ड पार्टी, रहेगी थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सारी चीज़ें साफ सीधी बात है कि आपके पार्टनर ने आपके रहते कहीं और भी समय बिताया है, तो ये पर्सन सुधरने वाले तो है नहीं, ये पर्सन तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये जाएंगे ही जाएंगे, सुधरता इंसान नहीं है वो। ठीक है, जो इंसान एक बार जो है बाहर की चीज़ खा लेता है उसको वो चटपटा सा चाहिए, घर में कितना भी अच्छा खाना बना लो लेकिन उसको जो है ना बाहर का ही खाना होगा तभी उसे संतुष्टि मिलेगी। और आपके पार्टनर जो है ना वही हैं, आपके पार्टनर के अंदर वही चीज़ें चल रही हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे भी, बातें भी करेंगे, ठीक है, अपने आप को जो है निकालने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन को जब आप जो है इनको छोड़ दोगे, जब आप जो है इनको पूरी तरीके से छोड़ दोगे, इनको ब्लॉक कर दोगे, इनको पूरी तरीके से हर जगह से ब्लॉक कर दोगे, इनसे बात करना जो है बंद कर दोगे, तब ये पर्सन को कहीं अकल आएगा।
ठीक है, अभी फिलहाल इस पर्सन के वो अंदर है कि अपने आप को बदल लूंगा, लेकिन ये पर्सन बदल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एक्शन लेने के बाद ही इनमें चेंजेस आएंगे। जब आप इनको जो है रुलाओगे, जब आप जो है इनको ब्लॉक करोगे, जब आप इनको छोड़ के चले जाओगे, तो ये पर्सन आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे कि उसका कोई मैसेज आ जाए, उसका कोई कॉल आ जाए, ठीक है। और जब नहीं आएगा तो ये पर्सन अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे, अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को हीलिंग देनी ज़रूरी है ना, अपने आप को हीलिंग देंगे तभी जो है ये पर्सन आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पर्सन को ये ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि दी, जब ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस पर्सन के लिए, या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना सही होगा या नहीं होगा, प्लीज़ हमें गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, देखिए मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे आपके तरफ, ठीक है, आपके वो प्रपोजल तो देने आएंगे, बट मैं आपको कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा, अपने जो आपके पार्टनर जैसे कि आपके तरफ आए, ठीक है, तो आप इनके प्रपोजल को फटाफट एक्सेप्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि आप फटाफट करके एक्सेप्ट कर लोगे ना और बात कर लोगे ना, तो आपके पार्टनर फिर वही रहेगा, यानी कि वो किसी और से भी बात करेंगे उस टाइम। अगर फुल अटेंशन चाहते हो कि पर्सन सुधरे, तो थोड़ा सा रूड बनो, ठीक है, थोड़ा सा रूड बनो, अपने आप के एनर्जी को इम्प्रूव करो, क्योंकि आप जो है, आप अपने जो है सुंदरता के ऊपर, आप अपने जो है अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को कंट्रोल में रखो, ठीक है, आपका नेचर है कंट्रोलिंग, अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पर्सन दिल फेक किस्म का इंसान है, फ्लर्टी किस्म का इंसान है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, आपको बात करना है, नहीं रहा जाता है तो बात करना, लेकिन कंट्रोल से बात करना, ठीक है। इनको थोड़ा सा अपना ईगो दिखाना है कि हाँ भाई तुम गए थे, तुमने चीट किया था या तुमने जो भी किया था, ठीक है, मैं तो उसके लिए माफ़ नहीं करने वाली, ये चीज़ें इनको दिखाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आपके भी लाइफ में कोई नया पार्टनर ज़रूर आएगा, कोई नया पर्सन ज़रूर आएगा, जिसके साथ आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना शुरू करोगे, ठीक है। आपको भी जो है यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई नया प्रपोजल आएगा, जिससे जिसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे। सो आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। धोखेबाज इंसान के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी भी भूल के भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप इस पर्सन से बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जो धोखा देता है वो कभी भी धोखा दे सकता है, और कहीं भी वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, ठीक है। तो बाहर की हवा जिसको लगती है वो लग ही जाती है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।